जय हिंद साथियों। लैंसडाउन सेनावर्ती कार्यालय द्वारा कोट द्वार में कराए जा रहे सेनावर्ती के छठे दिन यानी शुक्रवार को चमोली जिले की जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, देवाल, नारायणबगड़, जालसू, नंदप्रयाग और घाट तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई। इन सभी तहसीलों से सेनावर्ती में शामिल होने के लिए 3466 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 2999 युवा दौड़ में शामिल होने के लिए स्टेडियम पहुंचे और इनमें से कुल 449 युवा दौड़ में सफल रहे। सेना भर्ती के सातवें दिन यानी शनिवार को चमोली जिले की पोखरी और पौड़ी गढ़वाल जिले की पौड़ी, जाखड़ीखाल और बीरोखाल तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ होगी। साथियों, यह तो थी सेना भर्ती की अपडेट। अब बात करते हैं कुछ अलग खबर के बारे में। कोविड-19 के चलते सेना भर्तियों पर रोक के बाद जब कोई भी राज्य सरकार, जिला प्रशासन या सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कोरोना के बीच सेना भर्ती कराना उचित नहीं माना, तब युवाओं के हित को देखते हुए उत्तराखंड सरकार, कोट द्वार का लोकल प्रशासन व लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने आगे आकर युवाओं के लिए कोट द्वार में सेना भर्ती शुरू कराई। एक ओर सेना भर्ती शुरू होने से युवाओं में काफी उत्साह था, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं यह डर भी बना हुआ था कि कहीं भर्ती के दौरान कोरोना से कोई बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। और यही डर करीब भर्ती के 4-5 दिन तक बना हुआ था, क्योंकि कोरोना का असर भी करीब 4-5 दिन में जाकर ही पता लगना शुरू होता है। लेकिन आज भर्ती को 6 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर जो हालात हैं वह बिल्कुल सामान्य है। यानी यह कहा जा सकता है कि कर्नल विनीत वाजपेयी का कोट द्वार लोकल प्रशासन के साथ अच्छी तालमेल के चलते कोरोना के बीच विशेष इंतजामों के तहत सेना भर्ती कराने का जो प्लान तैयार किया था वह अब सही साबित होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह सेना भर्ती में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की जा रही है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि सेना भर्ती पूरी तरह शांतिपूर्वक होगी, कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई परेशानी नहीं होने वाली। हालांकि एक बार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको पता होगा कि सेना भर्ती के दूसरे दिन जो युवा दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उनमें से करीब 20 युवा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस तरह अचानक सेना भर्ती के असेंबल एरिया में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने से एक बार की खतरा बढ़ गया था। उस समय यह लग रहा था कि ये जो कोरोना पॉजिटिव 20 युवा सेना भर्ती स्थल पहुंचे थे उनसे अन्य युवाओं को भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता था, लेकिन सही समय पर सेना और डॉक्टरों की टीम की सतर्कता के चलते उन युवाओं को जल्द ही ट्रेस कर लिया गया और उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया। हालांकि कोरोना पॉजिटिव केस सिर्फ एक ही दिन मिले थे, उसके बाद से व्यवस्थाओं में सुधार किया और किसी भी ऐसे युवा को सेना भर्ती स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सभी के लिए खुशी की खबर यही है कि जब कोट द्वार में कोरोना के बीच सेना भर्ती का सफल आयोजन कराया जा सकता है तो फिर देश के अन्य राज्यों में सेना भर्ती क्यों नहीं कराई जा सकती। यानी कोट द्वार सेना भर्ती को देखते हुए अब यही लगता है, यही कह सकते हैं कि अब देश के अन्य राज्यों में भी विशेष इंतजामों के तहत जल्द ही सेना भर्ती शुरू कराई जा सकती है। इसलिए आप सभी अपनी अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दें, सभी साथी अपनी तैयारियों में कड़ी मेहनत के साथ जुट जाएं, क्योंकि यह मौका आपके लिए सेना में भर्ती होने के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। आपके पास में एक बहुत बड़ा अवसर है सेना में भर्ती होने का। इसके अलावा साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, सेना भर्ती में कुछ युवा गड़बड़ी करने की फिराक में रहते हैं। वह सिर्फ यही सोचकर आते हैं कि मुझे वहां जाकर यह गड़बड़ी करनी है, या तो मुझे इस लाइन से उठकर लास्ट नंबर से उठकर वहाँ पहले नंबर पर जाके बैठना है, या मुझे झाड़ियों में छुपके बैठ जाना है और वहाँ से जैसे ही चौथा चक्कर आएगा मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा, या फिर मैंने मेरे कागज़ों में कुछ गड़बड़ी करा ली, मेरे कागज़ कहीं और से बनवा लिए, कुछ डुप्लीकेट करा लिया, मतलब कुछ भी ऐसा गलत करवा लेते हैं। तो ऐसे उन तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आप ये जो कर रहे हो यह बिल्कुल गलत है, इससे आपका पूरा भविष्य खराब हो सकता है, आपका पूरा कैरियर तबाह हो सकता है। क्योंकि आप जो यह सोचकर गड़बड़ी करने के लिए यहाँ सेना भर्ती में आते हो तो आपकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, आपकी चालाकी यहाँ पर नहीं चलने वाली। यहाँ पर इतने सारे फिल्टर लगे हुए हैं, जो सेना भर्ती का सिस्टम है वो पूरी तरह हाईटेक है, पूरा सिस्टम कंप्यूटरीकृत है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
आपकी हर एक एक्टिविटी, आपकी हर एक गतिविधि पर तीसरी आंख की नजर है। आप सभी कैमरे की नजर में होते हैं, इसलिए यह सोच भी मत लेना कि आप वहां जाकर गड़बड़ी कर सकते हो। और फिर इसके बाद यदि आप कोई कागजों में गड़बड़ी करते हो तो साथियों आप यहां भी पकड़े जाओगे, क्योंकि फिल्टर बहुत सारे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बहुत हाईटेक सिस्टम है, आप कहीं भी नहीं बच पाओगे इसमें अगर आप गड़बड़ी करते हो। और गड़बड़ी करते आप पकड़े जाते हो, और यदि उस समय आपके कागजों पर सेना की एक मोहर, एक सील अगर आपके कागजों पर लगा दी जाती है, तो न सिर्फ आप सेना भर्ती बल्कि आप देश में कहीं भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाओगे, आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है, आपके सारे सपने चकनाचूर हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, आप वो तैयारी करें जो सेना भर्ती मांगती है, आपको वह तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप इस तरह से चीटिंग करके सेना में भर्ती कभी नहीं हो सकते। और अब मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूंगा जो युवा यह सोचे बैठे हैं कि सेना में दलाली चलती है, सेटिंग हो जाएगी, 2 लाख उसको दे देंगे, 5 लाख उसको देके भर्ती हो सकते हैं, तो भाई ये सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं पिछले 6 दिन से सेना भर्ती रैली का यहाँ से लाइव कवरेज कर रहा हूँ। मैं सेना भर्ती की हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी को देख रहा हूँ, कैमरे में कैद कर रहा हूँ। अगर ऐसा कहीं भी कुछ होता तो साथियों इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती सेना भर्ती में। मीडिया कर्मियों को ऐसे खुले कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप किसी भी दलाल के झांसे में मत आइए, किसी भी दलाल के चक्कर में आके आप पैसों की बर्बादी ना करें, आपका पैसा फंस जाएगा, आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला। और फिर यदि आप इस पूरे पैसे के लेन देन के खेल में यदि कहीं भी आप पकड़े जाते हो, दलाल भी कोई भी ऐसी ऐसी कुछ भी चीज सामने आती है, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। इसलिए सभी साथी अच्छी तैयारी करें, आपको ईमानदारी से सेना में जाना है। भाई आप देश की सेवा करने जा रहे हो, आप सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहे हो, यार आप चीटिंग थोड़ी करेंगे। आपको अपने अंदर वो चीज लानी होगी जो चीज सेना भर्ती मांगती है, आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा, आपको वैसी तपस्या करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। भाई सेना में भर्ती ऐसे नहीं हुआ जाता। इसलिए आप सभी युवा अच्छी तैयारी करेंगे, और यह जो गलत काम कुछ युवा करते हैं ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप ही क्या, मैं तो सभी से कहूंगा कि कोई भी युवा इस तरह से सेना भर्ती में कुछ भी गलत ना करे। तो चलिए साथी फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।